हेलीकॉप्टर पहुंचा तो समझे कि शायद फैज अहमद साहब आए, लेकिन वहां असल में बाजवा साहब पहुंचे, उन्होंने थोड़ा मारपीट भी की है। मैंने समझाया कि उन्हें कहा गया है बिहेव, और फिर बिहेव करना। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान को जब प्रधानमंत्री पद से निकाला जा रहा था तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने बाजवा को निकल के फेज को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी ताकि पाकिस्तानी आर्मी उसकी कुर्सी बचा सके। पर बाजवा को पता चल गया और बाजवा ने अपने बंदों के साथ आके इमरान खान की इतनी धुलाई की कि इमरान खान ये हरकत नहीं कर पाया। तो पाकिस्तानी मीडिया आज उसकी पूरी कहानी बोल रहा है और इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इमरान खान को इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने का आइडिया किसने दिया और इमरान खान अब फिर से प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएगा इस हरकत के बाद। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि जो सैटरडे को पाकिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद जहां मैं हूँ, वहां पे एक वोटिंग होनी थी इमरान खान के लिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो उन्होंने रोकने की भरपूर कोशिश की। यहाँ तक भी हमने सुना और यहाँ तक भी न्यूज चली है कि उसके बाद इमरान खान ने ये भी कोशिश की कि वो आर्मी चीफ को बदल दें, और उसके लिए उन्होंने जो है नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया था और बाजवा साहब की जगह जो है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जो है उनको वो लेकर आ रहे थे, और कहा ये गया कि फैज अहमद साहब उनसे मिलने के लिए भी आने थे। और जब एक हेलीकॉप्टर पहुंचा प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तो वो समझे कि शायद फैज अहमद साहब आए, लेकिन वहाँ असल में बाजवा साहब पहुंचे, उनके साथ जो है आईएसआई के डीजी आईएसआई भी थे। उसके बाद हमने ये भी सुना है कि जब इमरान खान ने वहां से निकलने की कोशिश की या बीच में बातचीत को छोड़ के वो जाने लगे तो उनको थोड़ा बहुत मतलब जो उनके साथ होंगे बाजवा साहब के साथ ही जो गए थे रेंजर्स, उन्होंने थोड़ा मारपीट भी की है, और शायद उसी का कुछ रीजन है जिसकी वजह से आज के दिन में आपको सारा दिन इंडोर में भी इमरान खान साहब काला चश्मा लगाए हुए देखेंगे जबकि बाकी किसी ने नहीं लगा रखा, लेकिन इमरान खान ने लगा रखा है। और ये बात कई सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बताई है। फिर एक बड़े ही तरीके से जो है फौज के खिलाफ और बाकी इदारों के खिलाफ, अदालत के खिलाफ जो है इमरान खान साहब जो है वो कंपेन चला रहे हैं, और उनका ख्याल यही है कि शायद वो अदालत ने इनको बुला लिया वरना तो ये वोटिंग ना होने देते। प्लान तो इनका यही था कि ये आर्मी चीफ बदल देंगे और उसके बाद ये जो है पार्लियामेंट जाके कहेंगे कि मैं वोटिंग नहीं करा रहा, कर लो जो करना है। अब जाहिर है उस सूरत में आर्मी भी इनके साथ होती और बाकी इदारे भी इनके साथ होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये चेंज नहीं कर पाए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट जो है वो बाजवा साहब को जरूर जाता है कि उन्होंने इनकी हठधर्मी को पूरा नहीं होने दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है लम्हा मौजूद में, हम उसका मुश्किल से 20-25% ही नशर कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा था वो फिर आसिफ फारूकी साहब ने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। उन्होंने बताया कि कोई साहब जो हैं वो तशरीफ लाए और उन्होंने समझाया कि उन्हें कहा गया है बिहेव, बस ये वन लाइनर था। अब अगर ये वन लाइनर मैसेज और उसके बाद फिर महात्मा का जो है अपना स्पीकर जो था उसको रिजाइन करवा के वहां से भागना, ठीक है, और फिर बिहेव करना, बिहेव कीता ना जी, वो सुधाए हुए बंदे, सुधाए हुए का यही तो फायदा होता है कि वो बिहेव कर लेता। तो बिहेव करके तो जाके वहां पे जाके बनीगाला में छुप जाना और फिर आज अगले दिन भी वो मुजाहरे की कॉल दे के वहां पे ना आना, तो इसका मतलब है कि वो बिहेव कर रहा है। महात्मा का ख्याल है कि वो निजाम के अंदर अपने आप को काबिले कबूल रखे, कोई पता नहीं फलाना रिटायर हो जाए तो फलाना उत्ते आ जाए। तो अगर महात्मा साहब ऊपर ना आया जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको आप ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहानी कुछ यूं थी कि वो जिनका जिस शख्सियत के मुंतजर थे कि वो भी उधर से आएगी जनाब, आके सलूट मारेगी और कहेगी थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे जो है वो इतने आला अहदे पे ऊपर मुतमक्कन कर दिया। तो वो तो नहीं आए, लेकिन उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के वो जब दूसरी पार्टी आ गई तो महात्मा की जो थी वो हवाइयां उड़ गई। ये कहानी के अंदर बयान किया गया है। ये जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है, इस वक्त
कि इसमें बहुत से अकाउंट्स जो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ वो लोग जो अंदरूनी अनासर भी हमेशा से होते हैं, जो उनके अलाइकार होते हैं, तो वो कुछ जलती पर तेल का काम और लोगों को उभारने के लिए इस तरह के काम करते हैं, और इसके पीछे यकीनन फंडिंग होती है, इसके फंडिंग के बगैर ऐसा नहीं होता। तो मैं ये बैरूनी साजिश होती है, ये बैरूनी साजिश होती है। कामरान खान जो है, क्योंकि उनके पास सोर्सेज है और अंदर की खबर उनके पास होती है, बात तो अपनी जगह पे तय है, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी ये जो है ट्वीट कर दी कि ये तो इमरान खान ने जो है ये बर्तरफ करने की कोशिश की है। फिर हुआ क्या कि बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया, मैं उन्होंने ये लिखा है कि जनाब जो वजीर आजम है उन्होंने एक ऐसी कोशिश की जो कि फेल्ड अटेम्प्ट थी, वैसे तो दूसरी तरफ से होता है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरफ से जो है वो करने की अटेम्प्ट की गई है सिविलियंस की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से, जो कि फेल्ड थी, क्योंकि उसके लिए एक नोटिफिकेशन चाहिए होता है। और आपने उन्होंने ऐलान तो कर दिया, ऑर्डर भी जारी कर दिया, और जिसको बनाना था नए को उनको कह भी दिया कि आप आ जाएं जनाब तशरीफ ले आए, और वो चल भी पड़े। लेकिन उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जिसने वो नोटिफिकेशन देना होता है कि पुराना जो है उतर गया और नए जो है वो आ गए हैं, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं। क्या वजीर आजम ये समझते थे कि इतना आसान है डिफेंस मिनिस्ट्री से वो नोटिफिकेशन निकले हैं? मुझे नहीं पता कि किस अकलमंद ने उसको जो उनको जो है वजीर आजम को ये कहा था कि ये कर लें। आप इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन, आप इतना ज्यादा ये करके कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं, आप कैसे इससे वो हो पाएंगे? अगर ये इसमें ये भी है कि अगर ये हो भी जाता, फर्ज कीजिए कि वो नोटिफिकेशन निकलवा भी लेते, तो उसको नल एंड वॉइड करने का बंदोबस्त भी पहले कर लिया गया। लेकिन वजाहत मसूद साहब ने एक जो ट्वीट की वो मुझे पढ़ के बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि जनाब ये सब कुछ जो हुआ है इसके अंदर जो है वजीर आजम इमरान खान को जो है वो शायद पता नहीं क्या कि कुछ इस तरह का भी कुछ हुआ है कि उनके चेहरे पे कुछ निशान निशान है, तो उन्होंने कहा कि अगले चंद दिन जो है वो शायद सामने ना आ। चले दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान को इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत करने का आइडिया दिया किसने? और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि इमरान खान को सच में लग गया था कि वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बंदा है, और वो सच में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और सच में प्रधानमंत्री पाकिस्तान में सब फैसले लेते हैं। ये गलत फहमी इमरान खान को हो गई थी, और इसीलिए इमरान खान ने इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत की कि आखिरी वक्त में उसने सोचा, जबकि उसकी मेजोरिटी भी नहीं थी, कि वो भाजपा को निकल पाएगा। और पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो सरकार आते जाते देखते रहते हैं, पर उन्हें वहीं पे रहना होता है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, वो ये अलाउ कर देंगे भाजपा को निकलने का नोटिफिकेशन? ये इमरान खान को लगा था, जो उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने उल्टा भाजपा को खबर दे दी कि इमरान खान आपको निकल रहा है, और आपको निकलने के लिए हमें कहा है कि हम नोटिफिकेशन बनाएं, तो इसीलिए भाजपा को अपने बंदों के साथ आना पड़ा, और इमरान खान को याद दिलाना पड़ा कि पाकिस्तान में असल में हुकूमत किसकी है, और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर बंदा कौन है। और उसके बाद ही इमरान खान चुपचाप पीएम हाउस से निकल गया, और इसीलिए अब इमरान खान रो रहा है कि मुझे क्यों निकाला गया, मैंने क्या किया था। और बहुत सारे मीडिया हाउसेज ये खबर कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, इमरान खान की पिटाई नहीं हुई थी। तो आजू ने यहाँ पे अच्छा सवाल पूछा कि अगर इमरान खान की पिटाई नहीं हुई थी तो घर के अंदर रात में इमरान खान चश्मे पहन के क्यों घूम रहा था, और जो हेलीकॉप्टर पीएम हाउस में उतारा गया था वो किसका था? और कई पाक मीडिया के बंदे ये कह रहे हैं कि कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उतारा गया, जबकि एक खबर आई थी कि एक हेलीकॉप्टर पीएम हाउस के अंदर उठ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये खबर छुपाने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पीटा है, तो ये खबर छुपने वाली नहीं है। और बीबीसी ने एक खबर जारी भी कर दी है, और इसके बहुत सारे सबूत है। और ये चीज़ होने से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया एक खबर दे रहा था कि एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी आर्मी का पीएम हाउस के अंदर उतारा गया है। तो ये खबर मुझे तो लगता है कि सच्ची है, और अभी पाकिस्तानी आर्मी और मीडिया डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है, और ये कहना चाहता है कि ये खबर झूठी और ऐसा हुआ ही नहीं था, और भाजपा इमरान खान को क्यों पीटेगा? तो इमरान खान को पीटने की बहुत सारी वजह है, और भाजपा को निकलने की कोशिश करना एक बहुत ही अच्छी वजह है इमरान खान की पिटाई करने का। तो ये खबर मुझे लगता है सच्ची है, पर पाक मीडिया इसे डिनाई कर रहा है।
और पाक मीडिया जो कह रहा है कि प्रोपेगेंडा भारत से आ रहा है और ट्विटर पे भी ज़्यादातर भारत ये ट्वीट कर रहे हैं, तो ये खबर चलाई किसने थी कि इमरान खान की पिटाई हुई है? ये बीबीसी ने चलाई थी। तो बीबीसी को भी क्या भारत कंट्रोल करता है? और ट्विटर पे बाजवा के नाम पे जो चीज़ें चली है वो किसने चलाई है? वो इमरान खान के समर्थकों ने चलाई है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया का पूरा झूठ है कि ये पूरी चीज़ें भारत से निकली है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने जो हरकतें की है उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी उसे फिर से कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। और इमरान खान की हरकतों के बाद मुझे नहीं लगता कि जनरल फेज भी अब आर्मी चीफ बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।